बेस्ट कैमरा फोन अगर आप चाहते हैं लाइक उस फ़ोन में कैमरा एकदम सुपर हो तो आज मैं आपको एक ऐसा फ़ोन दिखाता हूँ गाइस जो बड़ा ही कमाल का है उस फ़ोन को मैं पिछले फाइव सिक्स मंथ से यूज़ कर रहा करूँ और इवन इस फ़ोन को मैंने काफ़ी ट्रिप्स में यूज़ किया अलॉन्ग साइड विद दी गैलेक्सी एंड दी प्रो आई फोन्स के एक छोटा सा मैंने इंटर लिख रखा था ऐसे मैं भूल जाता हूँ मेरा काम क्या है कि आपको ये बताना कि अगर आप फला फला रुपए डालना चाहते हैं एक फ़ोन खरीदने में और अच्छा फ़ोन चाहते हैं इतने उतने साल के लिए चलाना चाहते हैं तो कौन सा फ़ोन आप रिकमेंड करें अब ये गाइस एक टफ क्वेश्चन होता है बिकॉज इसके पीछे छुपा होता है कि आपकी एग्जैक्टली exactly नीड क्या है जब ये फ़ोन गाइस मे में लॉन्च हुआ था अराउंड 44, 45,000 का था बिना बैंक ऑफर के अब इस फ़ोन में देर आए दुरुस्त आए प्राइस कट्स हो चुके हैं अब ये फ़ोन आप बाई कर सकते हैं पैंतीस में जब फोन पैंतालीस का आया था तब तो मैंने यही कहा था कि ये सीरियसली ओवर फ़ोन है लेकिन आई थिंक अब जिस प्राइसिंग पर ये फ़ोन मिल रहा है तो कुछ इसमें जो कॉन्स हैं वो आप जो प्रो फीचर्स हैं उनके आगे उसका आप उसको भुला सकते हैं अब मैंने कैमरे से बात कर ली है तो कैमरे से स्टार्ट कर लेते हैं कूल स्पेक्स आपको अभी नहीं बताऊंगा थोड़ा आपको मैं छुपा के रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा तो सा सस्पेंस बना रहा है हम मेन कैमरे से स्टार्ट करते हैं अभी आप जो तो सैम्पल्स का ऐसा देख रहे हैं ये मैंने रिसेंटली खजराव ट्रिप किया था एंशेंट प्लेस है बहुत ही फैंटेस्टिक प्लेस है आई बिलीव आपको वहाँ पर जाना चाहिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जी जो मिथ बनाई गई है वो एक्जैक्टली वहाँ पे है नहीं आप वहाँ पे जाके पता चलेगा अब देखो क्वालिटी की बात करते हैं अब इस फोन के देखिए मेन कैमरे में से कमाल क्या है ना कि जो इसमें कलर्स आ रहे हैं जो कैप्चर शॉट आ रहा है स्लाइटली वाइब्रेंट है लेकिन ट्रू टू रियल लाइफ ज़्यादा जनरली फोन बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट और वाइब्रेंट कर देते हैं यहाँ पर ऐसा कोई सी नहीं था कंसिस्टेंटली एक्यूरेट वाइट बैलेंस है डायनिक रेंज बहुत ही वाइड और बढ़िया है जो तो डिटेल्स आ रही है वो काफ़ी मेच्योर है और बट विदाउट एक्सेसिव शार्पनिंग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शार्पनिंग इमेज में नहीं की जा रही है अब इस फ़ोन में थोड़ा सा अच्छा क्या है कि हायर मेगा पिक्सल दिया गया है तो उससे आप जूमिंग थोड़ी सी बेटर कर सकते हैं इनिशियली ये कंपनी जस्ट कम मेगा पिक्सल पर चलती थी लेकिन फाइनली जब मेगा पिक्सल बढ़ाया गया तो उसका एक एडवांटेज लिया गया तो ऐसे ही बहुत सारे फ़ोनस ऐसा कर रहे हैं विदाउट ऑप्टिकल लेंस जूम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अब एन कूल फीचर क्या है इस फ़ोन का जो अल्ट्रा वाइड है वो वन ऑफ़ दी बेस्ट अल्ट्रा वाइड मान सकते हैं इस प्राइस रेंज का देखिए अल्ट्रा वाइड क्या है जनरली आप 40000 तक के भी फ़ोन ले रहे जैसे कि एलेवन आर उसमें आपको मिलता है जस्ट एट एम अब सस्ते फ़ोन भी आते हैं जैसे कि मोटो ने लॉन्च किया है उसमें आपको थर्टीन एम पी मिलता है मेगा ज़्यादा दे दिया लेकिन इवेंचुअली जो क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं आ पाई इस फ़ोन के साथ कमाल क्या जो आप वन ऑफ़ दी बेस्ट अल्ट्रा वाइड शूटर आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वाइड 120 डिग्री के यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू है सुपर इम्प्रेसिव शॉट आप ले सकते हैं इस फोन की मेन कैमरे से अब मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में आते हैं गाइस से कम्प्लीटली नाइट में आ जाते हैं यहाँ पे आपको ऑफकोर्स नाइट मोड या सभी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट से कहती हैं वो फीचर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं अब यहाँ पर क्या है नाइट में भी कलर्स काफ़ी कंसिस्टेंट आ रहे हैं एंड वाइट बैलेंस भी काफ़ी सही लगेगा ऐसा नहीं है कि एकदम आपको आर्टिफिशियल वाटर मार्किंग फील हो जाती है जैसे कंपनीज नाइट मोड ऑन करते एकदम सुपर आर्टिफिशियल फील होता है ऐसे यहाँ पे एकदम नहीं है अल्ट्रा में भी आप बहुत ही अच्छे शॉट यहाँ पे लो लाइट से ले सकते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स गाइस बहुत ही चैलेंजिंग होता है इसके लिए हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए होता है अब यहाँ पे है क्या है कि सॉफ्टवेयर का मैजिक ज़्यादा किया गया है फर्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी कौन सी है कि जैसे अब अगर आप पोर्ट्रेट मोड में स्विच करते हैं तो मैग्निफिकेशन लेवल चेंज होता है लेकिन सेम डिस्टेंस पे आप पोर्ट्रेट नहीं ले पाएंगे आपको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा ना वो थोड़ी यहाँ पे चीजें हो जाती हैं बट जो पोर्ट्रेट आ रहा है वो काफ़ी सही आ रहा है वीडियो पहनने से पहले इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं यहाँ पर भी आपको बेटर शॉट देखने को मिल रहा है जितना भी आपने सेल्फी से लिया वो काफ़ी सही आती है इवन इन फैक्ट इस फ़ोन की जो सेल्फी है अल्ट्रा वाइड में वो बहुत ही बेस्ट आती है छोटे मोटे कॉन्स यहाँ पे भी हैं लाइक यू नो समाइम फेस पे ऐसा सॉफ्टनेस फील होता है बट डायनेमिक रेंज बहुत ही अचीव एंड मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में भी जहाँ पे काफ़ी लाइट बैकग्राउंड सब कुछ हो तो उस केस में भी बहुत ही सही फ्रंट कैमरा से सैम्पल प्रोड्यूस करता है फोटो से क्वालिटी का हिसाब ने देखिए अब चलिए वीडियोस पे आ जाते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे आप मैंने बोला है कि फ्लैगशिप ग्रेड की क्वालिटी मिलती है तो आपको चीज़ें आपको एक्सेलेंट मिलेंगी फोर की सिक्सटी ओ आई एस सारे लेंसेज मिलेंगे और बेस्ट पार्ट क्या है कि इस फोन में जो कोडेक का सपोर्ट है ना वो एच है जो कि सभी फोन में नहीं मिलता ऑफकोर्स आपको टू मिलेगा दोनों में साइज़ का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है क्वालिटी में ऐसा कहा जाता है लेकिन जितना मैंने टेस्ट किया मैंने कोई मेजर डिफरेंस देखे नहीं अब साइड बाय साइड लगा के कंप्यूटर में एडिटिंग करूँ तो शायद समझ में आ जाएगा लेकिन बहुत माइनर सा फ़र्क है तो आप एस टू डॉट सिक्स फोर बना सकते हैं और वीडियोस में क्या है कि यहाँ पे देखिए वाई ठीक है कलर्स वलर्स सही आ रहे हैं लेकिन कंपेयर टू फोटोज़ के यहाँ पर वीडियोज़ में कुछ इश्यूज़ मुझे मिली स्पेशली कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल रहा था दैट्स वाई आपको शेडोज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख सकती है लाइट डार्कनेस बढ़ जाता है तो ये 4K के सिक्सटी फोर दोनों सपोर्ट करता है जैसे चाहे बना सकते हैं लेकिन अल्ट्रा वाइड के वीडियोस यहाँ पे गाइस बहुत ही कूल है वो आई का सपोर्ट है जो जनरली अदर फोन्स में नहीं भी था। लेकिन यहाँ पे दिया गया तो आप यहाँ से कूल cool वीडियोस बना सकते हैं ये भी एक बेस्ट पार्ट है प्लस यहाँ पे कंट्रास्ट उतना नहीं बढ़ रहा जितनी की मेन कैमरे से बढ़ रहा था और ये रहा इस, इस फोन के फ्रंट कैमरे का सैम्पल यहाँ से आप फोर के थर्टी फिर उसके वीडियो बना सकते हैं और कलर्स जैसा मैं देख रहा हूँ गाइस एकदम एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ देखिए स्किन टोन एकदम वैसे ही आ रही है जैसे कि नेचुरली आनी चाहिए कुछ यहाँ पे चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं भाई मैंने स्टूडियो में नया टीवी लाया है एंड उसको भी आपको बहुत जल्दी बताता हूँ तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी सुपर अगर आप ब्लॉगिंग वॉगिंग ज़्यादा करते हैं ना तो देखिए आपको मजा दिखाता हूँ अभी तो आप वन एक्स पे है अब आप थोड़ा सा क्लोज आ गया वन पॉइंट फोर एक्स पे तो ये ऐसे बहुत सारे कूल cool फीचर इस फोन में दिए गए हैं तो इन द समरी में जितना आपने देखा इससे बेटर आपको कैमरा सेटअप ऑप्शन पैंतीस हज़ार के प्राइस रेंज में नहीं मिल सकता है डिस्प्ले पे आ जाते हैं यहाँ पे देखिए छोटा मोटा प्लस माइनस ब्राउथ है देखिए प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ ऑफकोर्स वोले डिस्प्ले आपको मिलेगा ही मिलेगा एल तो मिलता नहीं इस प्राइसिंग में ठीक है ब्राइटनेस इसकी अच्छी है नॉट दी ब्राइटेस्ट ठीक ठाक ब्राइटनेस है मुझे इंडोर आउटडोर में ऐसा कोई प्रॉब्लम लगा नहीं स्पेक्स वाइज यहाँ पे ऑफकोर्स आपको एच डी आर टेन प्लस ब्राउथ मैंने चेक किया है नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम यूट्यूब पे हर जगह आप एच डी आर टेन प्लस सपोर्टेड वीडियोज कंटेंट्स प्ले कर सकते हैं रिजोल्यूशन वाइज यहाँ पे एक एक क्या वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स ऑफ एंड्रॉयड सेक्टर मान सकते हैं ये ओनली फोन आप मान सकते हैं इस प्राइस जिसमें आपको 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलता है बट आई थिंक डिफेंड करने का तो कुछ लॉजिक है नहीं कहीं सीरियसली देना तो चाहिए नहीं दिया तो कुछ ऐसा है नहीं बट जितना मैंने यूज़ किया फ़ोन फ्लूड है ऑफकोर्स वन ट्वेंटी होता है थोड़ा ज़्यादा फ्लूड होता है बट 60 टू 90 ज़्यादा फील होता है 90 टू 120 उतना फील नहीं होता है ये वाला लॉजिक है एनेदर कौन सा आपने इस डिस्प्ले का देख लिया यहाँ पे जो बेजल्स दिए गए ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं इससे बेटर डिस्प्ले के फोन ऑफकोर्स आपको मिल सकते हैं जैसे कि पोको एफ फाइव नॉट थ्री आईकोटी सेवन प्रो वो सब इसी प्राइस रेंज के थोड़े से नीचे के हैं तो आपको बेटर डिस्प्ले ऑप्शन दे सकते हैं अगर आप मल्टी फ़ोन चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको और अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं आ जाते हैं कई इस कूल पार्ट पे वो है इस फोन का परफॉर्मेंस अब यहाँ पे कूल मैंने गलत बोल दिया है कूल के बदले मैं हॉट बोल सकता हूँ बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मैंने इस फ़ोन का रिव्यू किया था तो मैंने काफ़ी इशूज़ फाइंड आउट की थी जैसे कि फ़ोन में हीटिंग बहुत होती थी अब ये गाइज वेरी कर सकता है कि आप किस तरीके से फ़ोन यूज़ करते हैं मैंने फ़ोन को कैशअल यूज़ करने की कोशिश की इनिशियली जब मुझे हीटिंग नोटिस हुई थी इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग इसमें परफॉर्म की लाइक मैं आपको डिफरेंट ट्रेन का टेस्ट दिखा रहा हूँ जैसे कि आपको मैं फास्ट में दिखाऊँ मैंने थर्टी मिनट इसमें स्ट्रेट नेटफ्लिक्स विद द स्पीकर आडियो पर मैंने इसको चला के छोड़ा जस्ट उसे कि फ़ोन में कितना हीटिंग इशू हो रही है रूम टेम्परेचर में जस्ट आजकल 30 32 डिग्री है तो फोन में ऐसे कोई मेजर हीटिंग इश्यूज मुझे नज़र नहीं आई सेकेंड टेस्ट मैंने परफॉर्म किया मैंने इस फोन में आ, वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट स्टार्ट किया साइड टू साइड में आपको प्रो फोन दिखा रहा हूँ आई फोन फोर्टीन प्रो मैक्स भी है एस ट्वेंटी अल्ट्रा भी है और ये फ़ोन भी है फोन के सिक्सटी मैंने सब में बनाया तो सरप्राइजिंगली इस फोन का जो रिलेटिवली टेम्परेचर है वो आई फोन फिफ्टीन प्रो मैक्स से एक दो डिग्री कम रहा वो तो सुपर हॉट फोन है आजकल सबसे वायरल फ़ोन वही है उससे इसमें हीटिंग थोड़ी सी कम रही 15 मिनट स्ट्रेट 4K के सिक्सटी वीडियो बनकर कोई दिक्कत नहीं आई थर्ड टेस्ट मैंने जब परफॉर्म किया वो स्पेशली सीरियस गेमिंग टेस्ट के लिए परफॉर्म किया अब यहाँ पे गाइस uh, 30 मिनट गेम प्ले करने के बाद थोड़ा सा तो मुझे ये लगा कि हाँ फ़ोन में हल्की सी हीटिंग इशू है जो कि अदर फोन से थोड़ी सी ज़्यादा आप मान सकते हैं जैसे कि अगर आप आईकून सेवन थो में गेमिंग करेंगे तो वहाँ पे हीटिंग थोड़ी कम लगेगी ये फोन रिलेटिवली 39, 38 डिग्री 40 डिग्री के आसपास सम 30 मिनट स्ट्रेट वीजी मई प्ले करने पहुँच गया वीजी मई का एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसिस्टेंट फ्रेम मिले ऐसा कोई लेग नहीं लगा इवन मैंने एच में गेम प्ले किया अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम लगा लेंगे तो आपको और बेटर यहाँ पर गेमिंग मिल सकती है अब तक तो आप समझ गए होंगे इस फोन कौन सा है ये है गूगल पिक्सल सेवन सी पी यहाँ पे जो मिलता है वो है टेंसर G2 थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन गूगल ने कहा है बट आई डोंट थिंक चूंकि यहाँ पे से कोई अपडेट दिया गया है बट जो मेरी मेन कंसर्न्स थी कि क्या इसमें अभी भी ऐसी कोई सीरियस हीटिंग इश्यूज़ हैं आई थिंक अभी इसमें ऐसी कोई ऐसी मेजर सीरियस हीटिंग इशूज़ नहीं है हल्की सीटिंग इशू अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही तरह का टास्क लाइक स्पेशली गेमिंग आप ज़्यादा करते हैं अगर आप आउटडोर में बहुत ज़्यादा सैम्पल्स वीडियो बनाते हैं कॉन्टीन्यूसली फॉर हाफ एन आवर प्लस तो फोन थोड़ा सा हीट कर जाता है अदर दैट एस में कोई इसमें हीटिंग इशू है नहीं अब बिग क्वेश्चन आ जाता है सॉफ्टवेयर का वन ऑफ़ दी बेस्ट कूलेस्ट स्टॉक लुकिंग फ़ोन आप चाहते हैं तो पिक्सल से अच्छा कोई नहीं होता है पहले आपको सॉफ्टवेयर अपडेट बता दूँ ये फ़ोन एंड्रायड 13 से लॉन्च हुआ था इस फ़ोन को 2026 जीरो टू सिक्स से अपडेट मिलेगा यानी कि फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड्रॉयड सिक्सटीन के सिक्सटीन तक इस फोन को अपडेट मिलने वाला है सबसे फर्स्ट अपडेट मिलता है और पिक्सल फ़ोन का ही यूज़ करने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होता है कुछ यूनिक फीचर्स जो गूगल खुद प्रोवाइड करती है जैसे कि सॉफ्टवेयर के तो आपको कैमरे में मैजिक इरेजर फेस ब्लर एंड ब्लर का फीचर ऐसे बहुत तरह के ऑसम फीचर हैं थीमिंग हो गया आई मीन व्हाट नॉट जो पिक्सल के एक्सक्लूसिव फीचर होते हैं वो आपको इस फ़ोन में मिल रहे हैं जो अदर किसी फ़ोन में आपको नहीं मिलते हैं प्रो फोन लाइक आई में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं तो सॉफ्टवेयर के डिपार्ट में अगर आपको स्टॉक फोन यूज़ करना पसंद है आई डोंट थिंक सो गाइज इससे बेटर ऑप्शन आपको कोई मिल सकता है मूविंग ऑन फर्दर द गाइज बैटरी का आई थिंक मुझे यहाँ पे सीरियस कंसर्न थोड़ा सा फील हो सकता है डिपेंड्स ऑन अगेन यूसेज जैसे कि स्टैंडर्ड आप कोई भी फोन ले लेंगे ले आपको 5000 थाउजेंड की बैटरी तो एटलीस्ट मिलती है इवन स्लीमेंस 5G फोन में भी इतना लेकिन यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी तिरस सौ मिलियन के, के अप्रॉक्स की दिखी है लास्ट एडिशन के सिक्स से यहाँ पे कम दिया गया स्ट्रेट अब आपको बता दूँ मेरा यूसेज क्या है वो बेसिकली कैमरे का ज़्यादा होता है सोशल मीडिया का ज़्यादा होता है साइड बो साइड कुछ मैं कंटेंट्स भी यूट्यूब पे ऐसे पॉड टेस्टिंग के लिए देखता रहता हूँ तो मेरे यूसेज में ये कम्प्लीटली मॉर्निंग टू इवनिंग का फोन है रखा आपने सुबह चार्ज किया आप आठ नौ बजे घर से निकले रात में आप अगर आठ नौ बजे तो लौट के आते हैं तो आपके फ़ोन में पंद्रह बीस परसेंट बैटरी आसानी से बच जाती है अब ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा है तो आपको अपना यूसेज देखने पर अगर आपका यूसेज ऐसा है कि आप दो दिन फोन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिसअॉइंटमेंट मिल सकता है है ना डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये स्लोवेस्ट चार्जिंग फ़ोन है इस साल का इस प्राइस रेंज का इससे कम का भी यहाँ पर आपको जस्ट एटीन वोट का सपोर्ट मिलता है बॉक्स में ही चार्जर भी नहीं है लेकिन यहाँ पे 7.5 पॉइंट फाइव का आपको एक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो अराउंड फोर आवर प्लस लेता है चार्ज करने में और टू आवर्स का राउंड लगता है अगर आप वायर चार्जिंग से चार्ज करते हैं तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी आप यूज करें अगर आप ज्यादा वायरलेस पे रखते हैं तब तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है ओके जितने मैंने इस फोन पे टेस्ट किया है इस फोन का स्पीकर है देखो लाउडनेस ठीक है लेकिन वोकल्स मुझे उसके उतने अच्छे लगे नहीं उससे बेटर वोकल्स आपको अदर फोन्स में मिल सकते हैं लेकिन इसका स्पीकर डिसेंट है नॉट दी बेस्ट डिज़ाइन तो कहीं सबने ऑलरेडी देखा है इस फ़ोन का इस फ़ोन का ये एक क्लासिक सिग्नेचर फीचर है लुक इसका बहुत ही अच्छा है बहुत ही फैंसी फैंसी कलर था स्पेशली जो ऑरेंज कलर आता है वो तो वन ऑफ दी रेयर फ़ोन है बहुत ही कूल लुकिंग फ़ोन है वो ऑरेंज कलर का फ़ोन मैंने जो बाई किया था वो ब्लू कलर का बाई किया था तो ये भी काफ़ी फैंटेस्टिक है इस फोन के डिज़ाइन का फीचर तो सिग्नेचर अलग ही है प्लस यहाँ पे आपको आई पी सिक्सटी सेवन का सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि अगेन कुछ ही फ़ोनस में मिलता है लाइक एंड सैमसंग में अदर ब्रांड्स अभी तो फिलहाल नहीं दे रही हैं मे भी शायद फ्यूचर में दे रहे हैं डिल में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा निकला था आप देख सकते हैं ड्रॉप टेस्ट बैंड टेस्ट सब में हमने देखा था ऑफकोर्स ड्रॉप में थोड़ा सा टूट गए हैं भाई जी जी थ्री दिया गया है नॉट दी लेटेस्ट अब सवाल गाइज़ ये होता है क्या आप इस फोन को बायपे ना बाय करें देखिए पैंतालीस हज़ार में मैंने तो यही कहा था चालीस हज़ार में ये फ़ोन वर्थ नहीं है पैंतीस में ये फ़ोन उस सेंस में वर्थ है कि अगर आप एक सुपर एक्सट्रीम यूज़र नहीं है एक पर्टिकुलर फीचर के जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं बहुत ही ज़्यादा मीडिया नहीं कंज्यूम करते हैं लाइक या बहुत ही ज़्यादा आप कैमरा नहीं यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम करेंगे तो वो अलग अलग फ़ोन के सिग्नेचर फीचर होते हैं अगर आप ऐसा फ़ोन चाह रहे हैं जो एक प्रीमियम लुकिंग हो क्लासिक डिज़ाइन हो बढ़िया ब्रांड हो लाइक गूगल का ब्रांड हो लॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो नहीं है लेकिन लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है प्लस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जरा सा भी लैग इसमें नहीं मिलता है उस सेंस में ये फोन ठीक है पैंतीस हज़ार के रेंज में ये फ़ोन अब अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी नीड ऐसी जैसे मैंने आपको बताई है सो so ये था गाइस मेरा एक रिव्यू वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा फ़ोन का सीरस सीज से कैमरा बहुत ही अच्छा अगर आप एक सीरियसली एक क्रेजी कैमरा फ़ोन चाहते हैं पैंतीस हज़ार के रेंज में तो आप ले सकते हैं बाकी अदर ऑप्शन में आपको मैंने बहुत सारे फ़ोन बताए गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो आप आईको न्यूसो पर जा सकते हैं चालीस हजार लगा के वो पास सलेवनार पा सकते हैं जिससे मेन कैमरा और गेमिंग काफ़ी अच्छी होती है डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है कम प्राइस में अच्छा एक्सपीरियंस रहते हैं आप पोको पे जा सकते हैं फाइव पेरियड वन प्लस नॉट सी भी जा सकते हैं बट वहाँ पे कुछ क्रेजी फीचर मिसिंग हैं जैसे कि कैमरा उतना सुपर नहीं हो सकता है पोको में मदरबोट की शूज़ हैं कैमरा उतना चाहे नहीं वो वायरलेस चार्जिंग आई वो सारी चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं